Uh, the students uh, today we are going to the going to start the next chapter or that is oscillations uh, here we we will define uh, about few basic terms which will be used in this chapter first of all we define oscillatory or vibratory motion oscillations produce ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू द ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द बॉडी ऑसिलेटरी मोशन क्या है द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज नोन एज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे आगे पीछे जब कोई बॉडी मूव करता है अबाउट इट्स मीन पोजिशन लाइक इन दिस फिगर ए वी हैव अ सिंपल पेंडुलम जब ये बिल्कुल इस तरह से हैंग किया आपने स्ट्रेट सेंटर में होगा पेंडुलम तो ये क्या कहलाएगी इसकी होगी मीन पोजीशन। अगर आप इसको डिस्प्लेस करके साइड पे एक तरफ छोड़ देंगे तो ये वाइब्रेट करेगा अबाउट मीन पोजीशन। तो इसकी जो टू एंड फ्रो मोशन होगी ये कहलाएगी ऑसिलेटरी मोशन या फिर हम इसे कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन फॉर एक्जाम्पल मोशन ऑफ अ वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम इसी तरह ये हमारे पास स्प्रिंग है जिसके साथ सेटन मैस अटैच किया आप एक दफ़ा स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींच के छोड़ दें तो ये वाइब्रेट करेगा अबाउट इट्स मेन पोजिशन मोशन ऑफ सिम्पल पैंडुलम मोशन ऑफ अ स्टील रूलर विध वन एंड क्लैंप्ड एक हैंड हमने स्टील रूलर का क्लैम्प कर दिया दूसरा एंड फ्री है उसको एक तरफ को करके छोड़ेंगे तो वह भी वाइब्रेट करेगा अबाउट इट्स मेन पोजिशन मोशन ऑफ अ स्टील बॉल इन कर्व डिश के कर्व डिश में अगर हम एक स्टील बॉल को फेंक दें तो वो भी एक जगह स्टील नहीं होगा बल्कि ऑसीलेट करेगा अबाउट इट्स मीन पोजिशन अब ये ओसीशंस जो हैं इसमें कुछ बेसिक टर्म्स इन्वॉल्व हैं ओसीट्री मोशन में जो कि हम इस लेक्चर में उस उन टर्म्स को डिफाइन करेंगे दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स ऑफ दैट चैप्टर तो इसलिए इन डेफिनेशंस को जो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि आपने इन डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से जहन में रखना है ताकि आप अगले चैप्टर्स में जब ये टर्म्स यू सॉरी नेक्स्ट टॉपिक्स में जब ये टर्म्स यूज़ हों तो आपको पता हो कि ये इसका क्या मतलब है और ये टर्म जो है वो ए, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है अब देखिए सबसे पहले <coughs> हमने कहा ये ऑसिलेटरी मोशन जो है टू एंड फ्रो मोशन है अगर ऐसा हो कि ये ऑसिलेटरी मोशन बॉडी इस तरह से परफॉर्म करे कि हर एक वाइब्रेशन वो एक सेकेंड में फर्ज फॉर एग्जांपल एक सेकेंड में कंप्लीट करे या टू सेकेंड में या थ्री में यानी हर वाइब्रेशन का उसका टाइम सेम हो, इक्वल टाइम के बाद वो वाइब्रेशन को रिपीट कर रहा हो तो ऐसी ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन को हम नाम देते हैं पीरियोडिक मोशन का ठीक है द मोशन विच रिपीट इट्सेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिक मोशन अब ये देखें कि हमने जब इनिशियली uh, मोशन को स्टार्ट करना है जैसे ये सिंपल पेंडुलम ये फिगर बी में हमने कहा इसको हमने डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो ये वाइब्रेट करेगा अबाउट मी पोजिशन अगर हम इस अब हमने इसको डिस्प्लेस करने के लिए क्या किया फ़ोर्स अप्लाई yeah, की अगर हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कम डिस्प्लेसमेंट होगा अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देंगे तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जितनी फ़ोर्स बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा वो डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा सिंपल पेंडुलम का थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करके छोड़ देंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही स्मॉल रहेगा तो फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट अंडर द इलास्टिक लिमिट अब ये ना हो कि हम जैसे स्प्रिंग में अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दें कि वो स्प्रिंग ब्रेक हो जाए उसकी इलास्टिक लिमिट ही क्रॉस हो जाए विद इन इलास्टिक लिमिट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिसमेंट के एंड दिस इज नोन एज हुक्स ला ये जो शॉर्ट टर्म्स हैं ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं इन्हें आपने अच्छी तरह से याद रखना है हुक्स हुक्सला क्या है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसप्लेसमेंट एंड वैन एवर वी रिमूव द प्रपोशनलैलिटी साइन देर विल बी अ अंस्टेंट इज कॉन्स्टेंट दैट इज न इलास्टिक स्प्रिंग कॉन्टेंट द फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट अगर हम स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के को डिफाइन करना चाहें तो के किसके इक्वल आएगा देखें एफ ओवर एक्स के इक्वल आएगा तो यहाँ से हम के को डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट डिसमेंट इज नोन एज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इट इज डिनोटेड बाई के एंड द ऐसे यूनिट ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज न्यूटन पर मीटर फोर्स का यूनिट है न्यूटन और x का क्या है मीटर तो इसकी डाइमेंशंस क्या होंगी इसकी डाइमेंशंस होंगी फोर्स की डाइमेंशंस होती हैं एम एल टी पावर माइनस टू उसको डिवाइड कर देंगे हम x पे यानी l पे डिवाइड कर देंगे तो आ, हमारे पास क्या आएगा एम टी रेस्टूपा माइनस टू आएंगे इसकी डाइमेंशंस नेक्स्ट है रीस्टोरिंग फोर्स अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या है ये देखें अब हमने बॉब को पकड़ा डिसप्लेस किया एक तरफ पेंडुलम के बॉब को हमने इसको छोड़ दिया अब ये देखें कि ये जाएगा यहाँ से वाइब्रेट करते हुए किधर जाएगा हमने इसको छोड़ा है तो ये ऑब्वियसली मीन पोजीशन की तरफ आएगा लेकिन मेन पोजीशन पे ये आके रुकेगा नहीं क्यों ड्यू टू इनर्शिया इनर्शिया क्या है ये हर बॉडी की एबिलिटी होती है कि वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखना चाहता है तो वो अपने इनर्शिया की वजह से वो दूसरी तरफ को मूव करेगा जब दूसरे एक्सट्रीम एंड पे चला जाएगा तो यहाँ पे री फोर्स होगी जो इसको वापस ले आएगी मेन पोजिशन की तरफ री फोर्स क्या है ये फोर्स इक्वल और ऑपोजिट है अप्लाइड फोर्स के यानी जितना आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही उसकी रीस्टोरिंग फोर्स होगी जो उसको मीन पोजीशन की तरफ वापस लाने की कोशिश करेगी द अपोजिंग फोर्स विच ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू मीन पोजीशन अब अप्लाइड फोर्स ने क्या किया है मीन पोजीशन से उसको डिस्प्लेस किया है रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी ये उसको वापस ले आएगी मीन पोजिशन पे इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन सो एफ विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स जो हमने हुक्सलाह में देखा था वो फोर्स किसके इक्वल थी अप्लाइड फोर्स के एक्स के यहाँ पे नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है कि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है द मोशन ऑफ बॉडी इन विच एक्सलेशन इज डायरेक्टली टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टू वर्ड्स मीन पोजिशन इज नोन एज सिंपल हारमोनिक मोशन इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन को यानी कि हमने ये प्रूव करना है कि जो वाइब्रेटिंग बॉडीज़ हैं लाइक सिंपल पेंडुलम है मै स्प्रिंग सिस्टम है इनकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी होती है जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर हो टू मीन पोजिशन यानी कि मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं ए इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स और माइनस साइन किस को शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ है हमेशा होगी टू वर्ड्स मीन पोजिशन तो ऐसी मोशन को हम नाम देते हैं सिंपल हारमोनिक मोशन का या इन शॉर्ट हम इसको कैपिटल लेटर्स में एस एच और एम से रिप्रेजेंट करते हैं आगे है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हारमोनिक मोशन अब देखें अगर एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उससे कुछ टर्म्स लिंक्ड हैं वो टर्म्स क्या है वो है डिस्प्लेसमेंट, वो है उसका एम्पलीट्यूड वो है उसका टाइम पीरियड और उसकी फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या है द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मेन पोजिशन एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड डिसप्लेसमेंट एंड डिनोटेड बाई एक्स उसी फिगर पे वापस चलते हैं हम जो सबसे पहली फिगर थी हमारे पास ये देखें ये है सेंटर में मीन पोजीशन ये जो लास्ट पे इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन एक एक्सट्रीम पोजीशन देखें बॉब की राइट साइड पे है दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट साइड पे है दरमियान वाली पोजीशन क्या है मीन पोजीशन अगर बॉडी मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के अभी कहीं दरमियान में है यहाँ पे है फ़र्ज करें अभी इधर एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए दरमियान में कहीं है तो इसका जो मीन पोजीशन से डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट यानी किसी भी टाइम पे वो है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट या इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड डिनोटेड बाय एक्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वाइब्रेटिंग बॉडी का मीन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन तक यानी मैक्सिमम जो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ तक है एक्सट्रीम पोजिशन तक तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है फ्रॉम मेन पोजिशन वो क्या कहलाता है दैट इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड जो किसी भी पोजिशन पे है डिस्टेंस वो है डिस्प्लेसमेंट और जो एक्सट्रीम पोजीशन तक है वो है एम्पलीट्यूड और इसको हम डिनोट करते हैं एक्स नॉट से वन कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेशन देखें ये हमने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेस किया बॉडी को और छोड़ दिया अब बॉडी यहाँ से किधर जाएगा वापस आएगा मीन पोजीशन की तरफ मेन पोजीशन से जाएगा दूसरी एक्सट्रीम पे उधर से वापस मेन पे और जब दोबारा उसी पोजीशन पे आएगा जहाँ से आपने छोड़ा था तो हम कहते हैं वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई है यानी एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जब वो लेगा यानी मेन से या हम ये भी कह सकते हैं मीन से एक्सट्रीम पे गया एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पे गया और दोबारा मीन पोजीशन पे आया तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई अब देखें मीन से हमने उसको डिस्प्लेस किया एक्सट्रीम पोजीशन पे तो यहाँ से एक्स्ट्रीम तक का डिस्टेंस कितना हो गया एक्स नॉट एम्पलीट्यूड के इक्वल है इधर से वापस आएगा मीन पे तो फिर कितना डिस्टेंस हो गया एक्स नॉट फिर दूसरी एक्सट्रीम पे जाएगा फिर कितना हो गया एक्स नॉट फिर दूसरी एक्सट्रीम से मीन पे वापस आएगा फिर कितना हो गया एक्स नॉट तो, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो वन वाइब्रेशन में होगा दैट विल बी फोर एक्स नॉट ये एम में आ जाता है आपने याद रखना है वन कम्प्लीट राउंड ट्रिप आउट मीन पोजिशन इज नोन एज वाइब्रेशन द डिस्टेंस कवर्ड इन वन वाइब्रेशन इज़ इक्वल टू फोर एक्स नॉट समम्स ऐसा भी आ जाता है कि वो ये कह देते हैं कि अगर एम्पलीट्यूड किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का थ्री सेंटीमीटर है तो डिस्टेंस कवर्ड वन वाइब्रेशन में कितना होगा तो अगर थ्री सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड है तो अंडर है कि फोर को मल्टीप्लाई करेंगे हम थ्री से तो आ जाएगा हमारे पास ट्वेल्व सेंटीमीटर यानी कि एक्स नॉट की कोई वैल्यू भी गिवन हो सकती है द टाइम रिक्वायर टू कम्प्लीट वन वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड एंड डिनोटेड बाई कैपिटल टी जो एक वाइब्रेशन कम्प्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे और कैपिटल टी से उसको रिप्रजेंट करते हैं द नंबर ऑफ वाइब्रेशन एग्जीक्यूटेड बाई द बॉडी इन वन सेकेंड इज़ नोन एज फ्रीकवेंसी जितनी वाइब्रेशंस एक सेकंड में बॉडी कंप्लीट कर लेगा वो फ्रीक्वेंसी है एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इट्स एसआई यूनिट्स आर हर्ट्स तो एफ किसके इक्वल आएगा वन ओवर टी के इफ टी इज द टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन देन इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ ये कहां से आया एंगुलर वेलोसिटी को हमने डिफाइन किया था कि ये क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी ओमेगा किसके इक्वल होती है थीटा ओवर टी के और जब एक चक्कर पूरा हो जाता है तो थीटा कितना हो जाता है टू पाई और टाइम कितना होता है इक्वल टू, टू टाइम पीरियड तो ये वही टाइम हमने फार्मूला लिया टू पाई बाई टी वन ओवर टी इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी के तो ये इक्वल आ जाएगा टू पाई एफ के द वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हारमोनिक मोशन इज जस्ट लाइक साइन वेव जो देखें अगर हम ऐसा करें कि एक ये लिया हमने मैथ स्प्रिंग सिस्टम इसके जो मैस है उसके साथ हम अटैच कर देते हैं एक पॉइंटर यानी बॉल पॉइंट या पॉइंटर हमने अटैच कर दिया ये इसके पीछे एक पेज है हमने रख दिया जो कि हम ये देखें मूवमेंट ऑफ पेपर है टुवर्ड्स लेफ्ट लेफ्ट साइड पे पेपर जो है वो मूव करता जा रहा है अगर ये ऑसिलेट करेगा ऊपर नीचे स्प्रिंग तो पॉइंटर जो है वो ऊपर नीचे मूव करता हुआ इस तरह की एक वेव फॉर्म पेपर के ऊपर बना देगा <coughs> और ये वेव फॉर्म कैसी है इट इज़ जस्ट लाइक साइन वेव साइन वेव कैसी होती है ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने अगर <coughs> नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ हमें दे, पता है कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है ज़ीरो देखें इनिशियली वेव का डिस्प्लेसमेंट है ज़ीरो साइन नाइन्टी वन होता है नाइन्टी पे वैल्यू मैक्सिमम हो गई जब वन एटी डिग्री एंगल हुआ तो दोबारा से ए, क्या हो गया जाती है साइन वन एटी की वैल्यू ज़ीरो होती है दोबारा से डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया साइन टू सेवेंटी की वैल्यू होती है माइनस वन तो इस डिस्प्लेसमेंट देखें फिर से मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव साइड पे साइन थ्री सिक्सटी जीरो होता है दोबारा से डिसप्लेसमेंट ज़ीरो हो गया तो यानी जैसे साइन थीटा की वैल्यूज चेंज होती हैं उसी तरह से इस वेव में भी एम्पलीट्यूड मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा है इसीलिए हम कहते हैं वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज जस्ट लाइक अ साइन वेव तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के जो कि आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये टर्म्स आगे जहाँ भी हम यूज़ करेंगे अगर आपको इन टर्म का मीनिंग नहीं पता होगा कि ये किस चीज़ को शो कर रही है तो आपको नेक्स्ट कन्फ्यूजन रहेगी